छोटे छोटे बनाए हुए हैं कपड़े धोने के लिए ऐसे छोटे छोटे, और बर्तन याद होते हैं, नहाते हैं, गर्मियों में नहाने का काफी मजा आता है यहाँ पे। साहब आप तो कुछ बदले यार दिखा, बदले नजर आ रहे हैं आप, चिकने हो गए आगे आप। महल बना हुआ है उनका जहाँ पर लोग अभी भी जाते हैं, और अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं महल के वहाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। मैं वीके चेरी आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं वीके चेरी ब्लॉग्स। दोस्तों आज आए हैं हम गुरुआ में एक कांच है छोटा सा, और यहाँ देखिए बर्तन वगैरह लाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर है छोटी सी खानी पीनी, खानी पीनी एक क्या बताया आपको, इस साइड होता है जैसे डेथ हो जाती है किसी की तो उनके नाम पे खाना खिलाते हैं किसी को, कुछ वैसा ही है आज। जबरदस्त, ऐसे रहो अच्छे बनके, माणो बनके। चलिए दोस्तों चलते फिर की तरफ, चाय शुरू पीते हैं। और तो क्या करेंगे अभी, ये वाला घर भी बड़ा पसंद है, ये वाला भी, वो आगे वाला भी जबरदस्त ठीक। और यह है बस पानी बुनी कर रहे हैं व्यवस्था, उसके बाद हम करेंगे शुरू जी। यहाँ पर हो रही है कटिंग शटिंग ग्राइंड, जो भी मटा मसाला है अदरक ग्राइंड। बाकी बंदे बैठे हुए हैं अभी गप्पे शप्पे मारने, और ये है जी दरोगा साहब हमारे, और वहाँ पर नुहारी की तैयारी चली हुई है ब्रेकफास्ट की। प्याज वगैरह काटा जा रहा है, प्याज हमारी रसोई में नहीं लगता प्याज। और वहाँ पर है गाँव की औरतें जो रोटियाँ बना रही है, रोटियाँ पटूरू फुलके वगैरह वगैरह जो जो बनेगा वहाँ पर बन रहा है। ये चावल की कढ़ाई लग रही है दोस्तों, ये है जी कोई 2.5-3 बार की है ये, और बाकी बर्तन वैसे ही है। बाकी जो जो दालें होंगी वो बताते जाएंगे आपको क्या क्या है। गणमान्य व्यक्ति पूरा गांव के सरसों के खेत पीले पीले हो गए, देखिए क्या शानदार दिखते हैं। वहाँ भी एक दूर लो जी चाय पी लो। कुछ एक महिलाएं यहाँ शिफ्ट हो गई इस साइड रोटियां बनाने, वहाँ पर जगह तंग है शायद थोड़ी, वहाँ पर कम जगह है। ये पूड़े भी आ गए दोस्तों, लेट आई है, अभी तक नंगे पैर था मैं काम कर रहा, अभी आए हमारे लिए पूड़े। चलिए बढ़िया हो गया, बंद हो चुके हैं दोस्तों रसोई बना के, और मैं और अवस्थी निकले हैं अब थोड़ा भ्रमण करने। आगे है जी जोगनी मंदिर एक छोटा सा, वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए आपको भी दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा छोटा सा मंदिर, बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। और बाकी मैंने आपको दिखा रखा है कई बार, ये हमारे कुलवी घर होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, काफी फेमस है ये वर्ल्ड वाइड, कई जगह कुलवी के जो घर बनाने के जो तरीके हैं उनको कॉपी किया जाता है विदेशों में। और तो क्या कहें, मक्की अवस्थी साहब पहुंच गए हैं जी आगे, थोड़ा जल्दी में है। थोड़ा सा दूरों के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है जी मनाली से मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रोहतांग हाईवे पे,
नेहरू कुंड जगह पड़ती है, वहाँ से आपको लिंक लेना पड़ेगा एक छोटा सा, और वहाँ से आ जाएंगे आप बुरुआ गांव। और वैसे देखा जाए तो बुरुआ गांव बहुत ही फैला हुआ गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। अब यहाँ से एक एंगल से मैं नहीं दिखा पाऊँगा, अगर कभी मजाज जाना हुआ तो वहाँ से दिखाऊँगा, पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन फिर से दिखाऊँगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परिवार हैं, काफ़ी बड़े बड़े परिवार हैं, मुझे लगता है कम से कम 350 परिवार यहाँ पर होंगे, और घर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद ये है जी, यहाँ पर देखिए बॉडी, एक काफ़ी शानदार बॉडी है, बड़ी बॉडी है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और जय हो, यहाँ राजेश जोगनी मंदिर, अभी बंद है दरवाज़ा, तो बाहर से मत्था टेक कर हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। वहाँ बर्तन धोने की आवाज़ आ रही है, शायद जो रसोई है वहाँ पर कुछ बर्तन फ्री हो गए होंगे, तो उनको ले गए हैं नीचे बॉडी के पास। खुला पानी, हाँ जी, हाँ जायरू पानी ने, इट्स जायरू पानी। वहाँ देखिए क्या बढ़िया ये सरसों दिख रही है, बॉडी नहीं जाना, ये रही जी बॉडी। और बर्तन धुलाई हो रही है यहाँ पे, हाय, नाते भी यहाँ पे, नाते भी यहाँ पे, है ना बोला, क्यों ठंडा है, सर्दी के टाइम नाते कह रहा सर, सील गर्म होता है आजकल ठंडा, चलो हम नहाते हैं बोला। इस बॉडी की भी एक अपनी कहानी है, कहा जाता है कि जो यहाँ रानी है, रानी यानी जो जोगनी मैया है, उनकी बॉडी है, उनके कोई यहाँ के राजा थे, पूर्व राजा, बहुत पुराने राजा, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक स्टोरी बनी हुई है, उन्होंने ये बॉडियाँ बनाई है यहाँ पर, और उनकी ये रानियाँ हुआ करती थी जो यहाँ जोगनियाँ हैं जो यहाँ वास करती है। तो ऐसा है, उनका महल भी यहाँ ऊपर पहाड़ों पे कहीं ऊपर जाके इस एरिया में कहीं एक महल बना हुआ है उनका, जहाँ पर लोग अभी भी जाते हैं और अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं महल के। वहाँ तो चलिए अब नहीं जाना होगा, कभी गए तो दिखाएंगे आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता जाना होगा वहाँ पे। और बाकी ये पुरानी पुरानी जगहें हैं, जैसी बॉडियाँ उन्होंने बनाई थी अपने सहूलियत के लिए, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। और ये जायरू पानी दोस्तों यहीं पर निकलता है, इन पत्थरों के पीछे कहीं से। और गांव वालों को तो इसका बहुत ही फ़ायदा है, देखिए छोटे छोटे बनाए हुए हैं कपड़े धोने के लिए ऐसे छोटे छोटे, और बर्तन यहाँ धोते हैं, नहाते हैं, गर्मियों में नहाने का काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। मैं भी सोच रहा था कभी नहाएंगे, मौका मिला तो, बाकी देखेंगे कैसा कैसा रहता है। और आसपास यहाँ पर खेत हैं बड़े बड़े, जहाँ पर कई खेतों में सरसों बीजी गई है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये स्कूल है यहाँ पर, शायद स्कूल ही है, हाँ जी स्कूल है। और स्कूल के पीछे ढेर पड़ी है, देखिए बर्फ, वाओ। और आसपास तो बर्फ के पहाड़ हैं बड़े बड़े जो दिख रहे होंगे आपको, जबरदस्त। मुझे लगता है हमारे काम में अभी थोड़ा टाइम है, अभी खाना स्टार्ट नहीं करना है, तो हम और बैठेंगे थोड़ी देर। और कुछ एक बच्चे देखते हुए यहाँ पे ये आ रहे हैं यहाँ पर खेलने, आओ आओ। वाओ, दो दो है रे, हमारे प्रिय तारू भाई जी। बैठने की तैयारी हो रही है, 6 बजने वाले हैं दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गए हैं। अवस्थी साहब तो बड़ी पहले से तैयार है, इसकी देखिए धोती भी दो बार कस दी इसने,
और एक बार अपना टोपू भी फूक दिया। बाकी देखिए वहाँ पर टाटे वगैरह बिछाई जा रही हैं औरतों द्वारा। ये देखिए दुर्गा जी बता रहे हैं इनको कि कैसे कैसे बिछानी है। देखिए दोस्तों हमारी कढ़ाई अभी दो चार बाटियाँ ही गई हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं अब खाना खाने। ये दूसरी गेड़ हो गई हमारे पास, ज़्यादा नहीं नहीं बोलता मैं। हाँ जी की पे बंद की पे ना कोठी, किसकी कोठी? ऊपर वाली मंजिल में ऊपर कोठी पर चार अच्छा 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 वहां पर है, वहां तो हमारा घर भी है रहा। हमारा घर भी है ना वहां पे, तब कैसे जुड़ पाया? अच्छा।